ए फैजान, सोए सोए में अपना कोटे का पहला, टीम का पहला ओवर लेकर सबने अच्छे से राइट अप राउंड विकेट गेंद बाजी गिरी। पहली गेंद थी अंदर, राइज खेल दिया था स्क्वायर लेकर दिशा में निकलती गेंद, फील्डर गेंद के नीचे मिस फील्डिंग गेंद सी मारेगा बाहर चौका। राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2000, राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन कोल की क्रीडा नगरी पर, यह आयोजन करने के लिए सोमनाथ जी हुजलडे सरपंच श्रीगांव ग्राम पंचायत सोनल उतेकर, रायगढ़ जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष सागर काते, महार तालुका युवा कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष शिवाजीराव महाडिक, अनिकेत जाधव, आकाश चव्हाण, सुयोग मोहिते, शिवाजीराव महाडिक जो कि नाते विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, तो इन तमाम लोगों की मदद से ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। यहाँ धीरज पाटिल होंगे, सतीश होड़बे होंगे, इन लोगों ने मदद की राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी को आयोजित करने के लिए, तो इन लोगों की मदद से ये राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन हो रहा है यहाँ कोल की क्रीडा नगरी पर। इसका लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं tenniscricket.in पर। कैमरे मैन है मेरे टेनिस क्रिकेट के साहिल और मेरे स्कोर बैठे हैं मेरे बाजू में प्रतीक, इन तमाम लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे tenniscricket.in पर। कल फाइनल का डे होगा, फाइनल डे पे टेनिस क्रिकेट के बारे में ज्यादा बोलूंगा मैं। वाइड बॉल का इशारा है अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। संतोष जी नानेकर, इनके बारे में कल मैं भाष्य करूंगा टेनिस क्रिकेट के बारे में। बोला यहां बैठा है सामने सोची स्लोअर गिनती समझ दे पाए थे, गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर की दस्तानों में। बोला आपको कोई बुला रहे पीछे, बोला आज सुबह से महिला दिन है तो महिला सुबह से मोबाइल पे है, आज क्या महिला दिन की कौन सी सुबह से दी जा रही है भोला की तरफ से समझ भी नहीं आ रहा। शॉर्ट गेंद बैक फुट जाकर पूल करना चाहते थे, बल्ले का निचली किनारा लगा, गेंद सीधी बैक टू द बॉलर अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को कैद, और इसी के साथ पहला झटका लगा। छटका लगा 7 रन पर, अलफते किंजोली को तोसीप आउट हुए। सात रन एक विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर प्रगति पर है। सामने छोटे स्वयं गोलीबाजी करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फैसल कप्तान है अलफतेह किंजोली को, कप्तानी पारी खेलने होगी अलफतेह किंजोली के लिए। बढ़िया शॉट था, फुल टॉस थी, सीधे बल्ले से खेला था डीप स्टक ओवर क्षेत्र पर, लेकिन जब तक गेंद को फील किया एक रन दी मिलेगा फैसल को, एक रन दिया जाएगा यहाँ अलफतेह किंजोली को। स्कोर पहुंचा 8 रन एक विकेट के नुकसान पर, पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है। यहाँ स्वयं द्वारा पुराने गेंदी है, टॉस जीता यहाँ लाडवली ने। सांगितलं डिक्लेअर केलं दोन्ही मॅचेस, इसके बाद मुकाबला होगा वहूर बनाम मोहपुरे के बीच होगा, इस इनिंग के बाद उनका टॉस किया जाएगा। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, फुल टॉस थी, फुल अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को खेलने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोकी, एक सिंगल दिया आतिफ को, आतिफ ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर अभी भी जारी, शायद पहली ओवर की समाप्ति के बाद ओवर स्कोर है जो कि 9 रन एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों पर देखना होगा अलफतेह किंजोली के।
आता लाव आता लाव। ओवरची मॅच आहे, आता काही बोलूनच देणार नाही। इसके बाद ओवर का मुकाबला है। डीजे ऑपरेटर जो है प्रवीण, वो भी जरा चुस्त है। ओवर का नाम सुनने के बाद उसकी नींद उड़ गई है और बटन पर हाथ है। गेंदबाज है शादाब ढोकले, कोटे का पहला, टीम का दूसरा ओवर लेकर। इसके बाद बड़ा मुकाबला होगा मोपरा बनाम ओवर के बीच। तगड़ा मुकाबला दो तगड़े टीम के बीच होगा। सामने जैसे राइट आर्म राउंड विकेट। एक गेंद थी, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की, उड़ाने की कोशिश थी। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में निकलती गेंद, ड्राइव किया था डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आए, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दो ही रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा, दो रन पर यहाँ कप्तान फैसल को रोकना होगा। दो रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ डबल फिगर भी जाता हुआ स्कोर 11 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। शादाब ढोकले अपने सामने और छोर से आने अजित मूर्ति पैवलियन से गेंदबाजी की जाएगी। पार तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा आयोजित राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन। तीसरा दिन का ये पहले राउंड का आखिरी मुकाबला किंजलोली बनाम लाडौली के बीच। सामने अच्छे से राइट आर्म राउंड विकेट। एक गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के दस्टम की थोड़ी बाहर थी। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। टेनिस बॉल क्रिकेट की मैच कहां भी हो, चाहे किधर भी हो, कौन से कोने भी हो, लेकिन एकमात्र ऐसा क्रिकेट का चाहने वाला है वह है फहीद चिलवान। जहां जाएंगे वहां रहेगी उनकी गाड़ी, रहेगी गाड़ी के ऊपर वो रहेगा, मुकाबला देखता है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ महार तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा की तरफ से। इसी के बीच चौका जड़ दिया, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। फहीद चिलवान फहीद चिलवान क्रिकेट को चाहने वाला एकमात्र व्यक्तिमत्व है। जहां जहां भी क्रिकेट टूर्नामेंट रहेगी वहां रहता हूं। ये अभी से नहीं देख रहा, जब से मैंने हाथ में माइक पकड़ा है मैं 25 साल हुए तब से मैं देख रहा हूं कि जहां टूर्नामेंट होती है वहां फहीद चिलवान होता है। सामने है वो मैच देखने के लिए। ये फुल टॉस थी, बल्ले ने जड़ दिया, बल्ले ने किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा षटकार। शादब एक गेंद थी, ओवर पिच थी, बल्ले ने जड़ा कर किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा षटकार। स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर आतिफ कारविंकर की आतिशी पारी, आक्रमण बोल दिया, शॉट गेंद पुल किया, डिक्लेयर जोन एक रन, एक रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। कोलगांव के ऊपर सरपंच है ग्राम पंचायत के, कौन, तुषार पाटिल, उनका यह अगवन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस मोर्चा पार्टी द्वारा। और राष्ट्रवादी ट्रॉफी में मैं उनका स्वागत करता हूँ, युवा मोर्चा राष्ट्रवादी ट्रॉफी में मैं उनको गुजारिश करता हूँ कि आप मेहमान कक्ष में आकर मुकाबला देके कोलगांव के उप सरपंच सम्माननीय तुषार जी पाटिल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको विनंती करता हूँ कि आप मेहमान कक्ष में आकर मुकाबला देखे। आवाज
तो दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 29 एक विकेट के नुकसान पर गेंदबाज है शायद शादाब साहिल गेंदबाजी की करेंगे। बड़ा ओवर फेंका, काफी महंगा ओवर फेंका है लाडोली के लिए शादाब ढोकले ने। पहले ओवर में रन थे 9, इसके बाद 20 रनों का ओवर फेंका शादाब ढोकले ने और उसका पूरा समाचार किया आतिफ कारिंकर ने। हमला बोल दिया था शादाब की गेंदबाजी पर। आखिरी 6 गेंदे 29 रन एक विकेट के नुकसान पर साहिल गेंदबाजी करेंगे कोटे का पहला टीम का दूसरा तीसरा ओवर लेकर। मेरे सामने वाले चौचरे अजीत मोहिते पहले रन से दौड़ना शुरू करेंगे। दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जाएगी। फुल टॉस थी, फुल टॉस फेंकेंगे तो बल्ले का बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा 6 रन। छह रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। सामने अचुरचे राइट आर्म होर द विकेट। ये गेंद थी, फिर से गेंद ऑन द राइज खेल दिया था, मिड विकेट की दिशा में निकलती गेंद, गेंद के नीचे फील्डर है लेकिन अच्छा थ्रो है, अच्छा थ्रो शायद है, बहुत ही अच्छा थ्रो। इंजर्ड है खिलाड़ी, क्या नाम है उनका, हुजेफा इंजर्ड है, फिर भी वहां एक हाथ से फील्डिंग कर रहे हैं। देखो अपने टीम के, अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। इंजर्ड है ना वो, उसका हाथ ही वैसा है, फ्रैक्चर है, फिर भी एक हाथ से कितना अच्छी फील्डिंग कर रहे हो। नौजवान खिलाड़ियों के लिए आदर्श रख रहे, वो भी नौजवान है हरीश माणिक, सबके सामने आदर्श रख रहे कि फील्डिंग किस तरह की जाती है। कल आपने एक कैच छोड़ा था, परसों ये अंपायर का इशारा नो बॉल का, तो निश्चित रूप से फ्री हिट होंगी, नो बॉल है, तो एक नो बॉल दो रन बल्ले से, 3 रन शायद दिए जाएंगे, देखना होगा चौथा रन लेते या नहीं, चौथा रन भी आसानी से पूरा होता या नहीं। और इसी के साथ 6 रन बिटवीन द विकेट, 3 रन दिए जाएंगे और इसी के साथ एक नो बॉल का 4 रन दिए जाएंगे, फ्री हिट दी जाएंगी, 4 रनों के साथ स्कोर है 40 रन। साहिल गेंदबाजी शायद नहीं कर रहे, फ्री हिट है तो गेंदबाज चेंज नहीं होगा। मैदान के अंदर ये ऐसे कमेंट नहीं होनी चाहिए। सीनियर खिलाड़ी है हुजेफा, शादाब है, फिर से शॉट गेंद बैकफील्ड जाकर पुल किया, अंपायर का इशारा डिक्लेयर जोन, 1 रन दिया जाएगा, 1 रन के साथ सीम का स्कोर बढ़ता हुआ 41 रन एक विकेट के नुकसान पर। फैजुल्ला टीम में है, शादा ढोकले टीम में है, फैजान है, फैजान अच्छी कॉमेडी भी कर लेते हैं ना, है शायद फैजुल्ला नहीं है, शादाब है, दोनों भी शादाब है, स्वयं है, फैजान है, उमेर है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी है लाडू टीम में, समद है सामने, हंजाला नहीं है क्या, नहीं है कि नहीं, हंजाला है। ये गेंद थी, गेंद टप्पा खाली कैसे लेग स्टंप की, थोड़ी लेग स्टंप में डाला गेंद ऑफ स्ट्राइक, थोड़ी भारतीय वाइड बॉल का इशारा अंपायर के, थोड़ी बातचीत करनी चाहिए शादा गेंदबाज के साथ, एक सीनियर खिलाड़ी आप, उमेर ने बातचीत करनी चाहिए, फैजान ने बातचीत करनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए अपने गेंदबाज के साथ कि जब अपनी लाइन था लेन जब मेंटेन नहीं हो रही है तो उनको बताना चाहिए कि कहां लाइन लग रखनी चाहिए। हंजला मेरे सामने लेफ्ट साइड में है, डीप मिड ऑन पर हंजला फील्डिंग करते हुए, स्कोर है जो कि 43 रन एक विकेट के नुकसान पर। तेरा आज उपवास है भारी हरीश माणिक, तेरे को कुछ भी दिया तो भी खाएगा नहीं, आज वेज ही खाएगा, सिर्फ दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने के लिए भाई रे, लेकिन खुद का प्रॉब्लम कभी अच्छा बताता नहीं। मैंने सुबह ही तेरे को बता दिया था, तो लेकिन बोला मेरा उपवास है।
सचिन नवजी मध्ये ब्रेक होत होता टाइम मध्ये तो पर्याय इथं होता साहिल ये गेंद थी शॉर्ट गेंद थी पुल किया था वन बाउंस गेंद बहुत अच्छी फील्डिंग बढ़िया फील्डिंग है सिंगल लेकर स्ट्राइक किया समद ने अच्छी फील्डिंग की अच्छा थ्रो किया पांच रन अपनी टीम के लिए बचा लिए समद ने अच्छी फील्डिंग है ये आदर्श है लाडोली के लिए एक खिलाड़ी का मैच कैसी भी हो फील्डिंग करना है अपना इफल दिखाना है ये दिखाने की कोशिश हो रही है समद द्वारा 45 रन 40 क्या 45 रन है एक विकेट के नुकसान पर आखिरी वो प्रगति पर पहले ओवर में 9 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि 30-35 के आसपास घूमेगा स्कोर किंजोली का लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी ये शॉट व्हाट अ शॉट इस तुलना में मैच का सबसे खूबसूरत शॉट हल्की सी ओवर पिच थी कदमों का इस्तेमाल किया था हाफ वाली बना कर गेंद को खेल दिया था सीधे बल्ले से गेंद साइड स्क्रीन को लगती हुई और ये मैच का टॉस मोपरा ने जीता है तीन तीन ओवरचा सामना असणार आहे रुपया वहूर सारखा एक जुने बॉल वहूर सारखा एक मातब्बर संघ तुझ्या समोर असणार आहे सेकंड राउंड चा सामना असणार आहे तुमची काय रणनीती असणार आहे तीन ओवरच्या षटकामध्ये आम्ही पहिली फील्डिंग करू आणि वहूरला कमीत कमी रन मध्ये हे करायचं तो रुपेश ने मोपरा के जो कप्तान है मैं वहूर के कप्तान से गुजारिश करूंगा यहाँ आ जाए तो जैसे कि मोपरा की रणनीति है कि वहूर जैसे एक बड़े टीम को कम से कम रन में रोकना है तो आपको पहले बल्लेबाजी करनी होगी उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है तो आप कौन से ऐसे बल्लेबाज को 18 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाते हुए देख सकते हो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे टीम जो कि बिग हिटिंग के लिए मशहूर है और निहाल से और फहद से काफ़ी उम्मीदें हैं और हमारा टारगेट रहेगा 18 गेंदों में कम से कम 55 रन बनाना जी थैंक यू सो मच तो इसके बाद सेकंड राउंड का पहला सामना देखने मिलेगा दर्शकों को वहूर बना मोपरा ओवर टू मुराद भाई तो निश्चित रूप से 52 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए 18 गेंदे 52 रनों की आवश्यकता स्ट्राइक गेंद पर है शादाब है नॉन स्ट्राइक गेंद पर है उमेर है गेंदबाजी की बॉलिंग मार्ग पर तैयार है सऊद गेंदबाजी करेंगे सुनील उत्तेकर रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष ना युवक कांग्रेस है ना युवक कांग्रेस के द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 में अभी अभी आगमन हो रहा है
रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनल जी उतेकर साहब उनके साथ है, महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवक कांग्रेस के अध्यक्ष प्रशांत जी खोपकर साहब इनका यह आगमन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आगतम स्वागतम सुस्वागतम प्रशांत जी खोपकर और स्नेहल जी स्नेहल उतेकर सोनल उतेकर इनका यह आगमन हो रहा है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सोनल जी उतेकर उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस रायगढ़ और प्रशांत जी खोपकर अध्यक्ष महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस इनका यह आगमन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस। तो दो छक्के जड़ दिए है यहाँ अर्षाद आपने, निश्चित रूप से रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सोनल जी उतेकर, महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा कांग्रेस तो दो गेंदों में दो छक्के जड़े हैं, स्कोरबोर्ड पर 12 रन है लाडोली के। शायद आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरह की बल्लेबाजी यहाँ आतिफ ने की थी उसके बाद सऊद ने की थी, तो वो बल्लेबाजी करनी होगी शायद आपको। एक अतिरिक्त रनों के साथ एक वाइड बॉल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना कोई नुकसान के साथ। सोनल जी उतेकर जिन्होंने ये छमछमती हुई ट्रॉफी आपके सामने देख रहे, ये ट्रॉफी देने का काम रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और हमारे विभाग के नेता भी है, हमारे मित्र भी है सुनील जी उतेकर, इनके द्वारा दिया जा रहा है। आज के बड़े बॉय महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर जी काते, उनका जन्मदिन है, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए एक्वा गार्ड दिया मैन ऑफ द सीरीज के लिए, उनका भी धन्यवाद दिया जाएगा महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा पार्टी के द्वारा। सामने छोटे सऊद राइट अब ओवर द विकेट, एक गेंद थी उठा दिया गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ, गेंद वन बाउंड गेंद सीमा रेखा पार चौका। तो 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 16 रन 17 है। ज्यादा गर्मी में है आप, 17 है, खतरा नहीं है, खतरा हो जाएगा तो फिर और बहुत खतरे में आएगी टीम। 17 रन है तो ज्यादा अग्रेसिव मत होने चाहिए यहां अलाडोली टीम, क्योंकि थोड़ी गर्मी में है, गर्मी से फील्डिंग करके आई है। ये गेंद थी शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद टप्पा खाने के बाद इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर है जो कि 17 रन बिना कोई नुकसान के साथ। जीत का लक्ष्य है 52 रनों का, तो आने वाले 12 गेंदों में रन चाहिए 35 रन चाहिए, 12 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। मुकाबला जीतने के जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर आपको ओवर खत्म करने है सऊद फैसल। 6 मिनट हो चुके हैं और सबको शूज और ट्रैक कंपलसरी है, ये ऑर्गेनाइजर का डिसीजन है। पहले मैच के लिए सबको एक अनुमति दी गई थी, लेकिन सेकंड राउंड के लिए सब कंपलसरी है। गेंदबाज है सलमान राइट हम ओवर द विकेट, एक गेंद थी उठा दिया गेंद फील्डर के पास, इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ आउट हो चुके हूं मैं। लेकिन टाइमिंग अच्छी
निश्चित रूप से महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ आके बैठे हैं, उसमें से रायगढ़ जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे मित्र सोनल जी उतेकर यहाँ मौजूद है, उनके उपस्थिति में मुकाबला होता है, उनके साथ है महार तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शर्मन्य हमारे मित्र प्रशांत जी खूबकर यहाँ मौजूद है, उनके उपस्थिति में मुकाबला महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सागर काते भी यहाँ मौजूद है, साथ ही साथ उनके साथ है उप सरपंच कोलगांव के उप सरपंच तुषार जी पाटिल, इनके उपस्थिति में मुकाबला है। शिवाजीराव माड़िक है, हरीश माड़िक, हमारे मंसूर भाई पठान, इन लोगों की उपस्थिति में मुकाबला होता हुआ। विलास सूर्य भी यहाँ मौजूद है, उनकी उपस्थिति में मुकाबला है, उसके बाद मुकाबला होगा, विलास सूर्य का भिड़त होगी इस मुकाबले में जीतने वाली टीम के साथ, इसीलिए उनकी नजर है ये मैच के ऊपर। विलास सूर्य बहुत स्टडी मैन है, स्टडी करता क्या, जहां जहां टूर्नामेंट है वहां विलास सूर्य है, ये समीकरण है क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में, चाहे वो महान खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन जहां जहां क्रिकेट टूर्नामेंट होती है वहां विलास सूर्य होता है, वो उनकी क्या किस तरह की फील्डिंग लगाना है वो बराबर जानते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में खेलते हैं वो क्रिकेट का एक ऐसा खिलाड़ी है ये विलास सूर्य, क्रिकेट को चाहने वाले में से एक बड़ा व्यक्तिमत्व खेलने वाला खिलाड़ी है, ये गेंद थी अच्छी गेंद, मैं विलास सूर्य को लोग कुछ भी बोले लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो कहां भी टूर्नामेंट हो विलास सूर्य वहां पहुंचता है, कोने कोने में पहुंचता है, चाहे वो महाराष्ट्र में एक टूर्नामेंट हो, पश्चिम महाराष्ट्र में, कोकण में हो, किधर भी हो, वरन में जब टूर्नामेंट होते है हरीश माड़ी का आपको मालूम है आयोजन क्या होता है, दो दिन टीमों को खाना दिया जाता है, दो टीमों को खाना खिला दिया जाता है, तो अरे आयोजन वहां अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से टीम आती है, आयोजन नियोजन आपका अच्छा होना चाहिए। ये गेंद थी बढ़िया शॉट स्वयं, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ दूसरा झटका लगता हुआ लाडोडी को। उन्नीस रन है दो विकेट के नुकसान पर आतिफ, 18 नहीं है 19 है, दो विकेट है, स्वयं गए, शादाब गए, नए बल्लेबाज मैदान में है फैजान, राइट हम ओवर दो विकेट, राउंड विकेट खेलना चाहते थे, एक आध लाइन खेलना चाहते थे, सफल होकर खेलने की कोशिश थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा नहीं, देखना होगा शायद उनको प्यार फैलेगी, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति का स्कोर है 19 रन दो विकेट के नुकसान पर। या सर जल्दी जल्दी लीजिए, नहीं तो उनको पेनल्टी दीजिए, हाँ 19 19 लॉस ऑफ टू विकेट, गेंदबाजी करेंगे, छह आखिरी छह गेंदे, स्कोर है 19 रन, जीत का लक्ष्य है 52 रनों का, तो अभी भी 33 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद थी पहली गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद, फील्डर आए फैजान आए, गेंद को फील्ड किया, सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा शादाब को, एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 20 रन दो विकेट के नुकसान पर। महार तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आयोजित राष्ट्रवादी युवा ट्रॉफी 2022 में का शानदार आयोजन होता हुआ कोल के किदा नगरी पर, टूर्नामेंट का तीसरा दिन का ये आखिरी राउंड का पहले राउंड का आखिरी मुकाबला, शॉर्ट गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन के रूप में उनको फेंका था, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद एक रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। आज 8 मार्च है तो महिला जागतिक दिन के अवसर पर मैं सभी
महिलाओं को शुभकामना देता हूँ यहाँ इसी ग्राउंड से। इसी के साथ वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद का मुकाबला मोपरा बरामला वहुर के बीच होगा। राइट हम राउंड विकेट ये थी, स्लोर थी, गति परिवर्तन के रूप में गेंद को फेंका था तो गेंदे बची है दो गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। स्लोर गेंद थी, बैकफुट जाकर फैजल फूल करना चाहते थे, मिस टाइम शॉट है, नहीं स्ट्राइक नहीं छोड़ रहे, रन नहीं ले रहे, सिंगल है। इस आखिरी गेंद है, किंजोली जीत की कगार पर खड़ी है और यहाँ देखना होगा किंजोली अगर यहाँ मुकाबला जीतती है तो बिरवाड़ी के साथ हिदायत इलेवन बिरवाड़ी के साथ भिड़ेगी। और इसी के साथ यह मुकाबला जीता है अलफते किंजोली ने। किंजोली टीम सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, उसका मुकाबला होगा किंजोली का बिरवाड़ी के साथ। लेकिन अभी बड़ा मुकाबला, तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कोल के कीड़ा डगरी पर। मुकाबला होगा वहुर बनाम मोपरा के बीच मुकाबला होगा। मैन ऑफ द मैच है आतिफ,